क्लास नाइन के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज आपका सिविक्स का जो क्लास मैंने पहले लिया था सेकंड चैप्टर में, उसमें बताया था दो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मैंने बताया था आपको। आज मैं उसका नेक्स्ट जो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और जो नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये आपका जो आपका थर्ड फीचर, या फीचर दिखाने से मतलब यह है, और डेमोक्रेसी का फीचर दिखाने का मतलब यह है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक कंट्री और अदर कंट्री। मैंने पहले बताया आपको था बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं नेचुरली दे आर क्लेमिंग दैट देयर इन दिस इन दैट कंट्री देयर इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो क्लेम करते हैं उनके यहां क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट एक्चुअली आप देखें उसको दे आर द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कैसे आप क्लियर करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसके फीचर को जानने के लिए अब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं इसके बारे में, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसको आप समझ करके कैसे आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। चलिए आते हैं सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में वोटिंग राइट नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में ऑल द सिटीजन हैविंग द वोटिंग राइट वेदर दे आर द मेन और द वोमेन द पुअर एंड द रिच, किसी भी कम्युनिटी के पीपल हो किसी भी कंडीशन में उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सबको वोटिंग राइट होती है, लेकिन वोमेन को वोटिंग राइट नहीं सऊदी अरेबिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इस्टोनिया, इस्टोनिया राइट्स लिमिट्स द राइट्स ऑफ रशियन माइनॉरिटीज, इस्टोनिया अब रशिया के रशिया का पड़ोसी कंट्री है, और इस्टोनिया भी क्लेमिंग करती है कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन वन साइड आप ये देख लीजिए वहां पे रशियन माइनॉरिटीज रहते हैं, वहां पे सम ऑफ द रशियन माइनॉरिटीज लिव इन इस्टोनिया एंड द रशियन माइनॉरिटीज हैव बीन नॉट गिवन द वोटिंग राइट्स, वोट देने का राइट उसको नहीं दिया, वोटिंग राइट उनको नहीं दिया गया है, येट द इस्टोनिया इज क्लेमिंग देयर इज अ डेमोक्रेसी। तो इसको डिफा करना बताना ये था, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे कंट्री क्लेमिंग करते कि डेमोक्रेसी है, लेकिन एग्जैक्ट कह सकता आपको नहीं आता। आपको तीसरा एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूं फिजी से, फिजी में फिजियन और इंडियन फिजी, फिजी एक कंट्री है, वहां पे हमारे देश के बहुत सारे पीपुल वहां जाकर के बस चुके हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लांटेशन वर्क के लिए, फिजी हमारे देश के बहुत सारे लोग गए वहां के होकर रह गए, वहां सेटल होकर रह गए, और जब वहां गवर्नमेंट हुई तो यहां पर देखिए फिजियन के वोट का वैल्यू जो है वो इंडियन जो फिजी है, जो इंडियन जो फिजी में जाकर बस करवा चुके हैं उनके वैल्यू में दोनों में डिफरेंट किया गया है, फिजियन के वोट का वैल्यू ज्यादा है काउंट किया जाता है और इंडियन फिजी का वैल्यू कम काउंट किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि फिजियन के वोट का वैल्यू अगर एक व्यक्ति वोट देता हो तो मे भी हो सकता है कि उस एक वोट को वो
दो या तीन काउंट कर लेते होंगे। हमारे जो इंडियन सिटीजन होंगे वो वोट देते होंगे तो उनका एक वोट का वैल्यू एक ही काउंट किया जा सकता है, हो सकता है ऐसा। ये क्या करके शो करता है, ये शो कर रहा है कि वोट वैल्यू ऑफ द फिजियन इज मोर देन द इंडियन फिजियन। तो ये आपका थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस थर्ड फीचर से आप समझ आता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंसेस है। ओके, फोर्थ जो आपका फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है, दैट इज द रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट। चौथा आपका फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये शो करता है कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली आप डेमोक्रेटिक कंट्री में कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को सभी को इवन द गवर्नमेंट के टॉप पोस्ट पोजिशन पे हो या फिर उस देश की जनता हो सबको फॉलो करना पड़ता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 1990 एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे 1980 में इंडिपेंडेंस हुआ, इसके पहले मात्र व्हाइट माइनॉरिटीज रूल करते थे जिम्बाब्वे, और वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी झानू पीएफ पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी था और लीड बाय रॉबर्ट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे उसके लीडर थे, इन्होंने लीडिंग किया और जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला। आप कह सकते हैं रॉबर्ट मुगाबे का कंपेरिजन हमारे देश के महात्मा गांधी से किया जाता था, पावरफुल लीडर थे, देश को आजादी मिली और जब भी आजादी मिली संविधान बना तो कई बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा दिया, अपनी इच्छा से इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा दिया। और आप जानते हैं कि पावर बढ़ने का मतलब जितना अधिक पावर बढ़ा उतना अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा हुआ वहां नहीं, उन्होंने क्या किया अपोजिशन को हैरेस करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी जितने थे उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, उनके मीटिंग को डिस्टर्ब करते थे, उनके जो लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लेते थे, पॉप प्रोटेस्ट होता था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को हमने इलीगल घोषित कर दिया, मीन्स नो वन कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। शासन ने क्या किया, टीवी रेडियो पे कंट्रोल कर दिया, आप कह सकते हैं वो एक तरह से सेंसर लगा दिया उसको, इवन द जर्नल्स और मैगजीन या फिर जो जर्नलिस्ट होते थे उसको भी हैरेस करने लगे, एंड दे वर फोर्स्ड नॉट टू राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनको ये कहा जाता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप नहीं लिखे, एंड येट द गवर्नमेंट वॉज क्लेमिंग विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो क्लेम कर रहे थे अपने आप को कैसा कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि हमारा गवर्नमेंट कैसा है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। तो किसी भी कंट्री में स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सिस्टम है कि आप जो एक रूल बन जाता है उस रूल को फॉलो करें, और वो रूल बनता है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहन आपको बताते हैं वहां पे अगर जज भी किसी तरह का डिसीजन देता था तो उस डिसीजन को वो अपने फेवर में अल्टर कर चेंज कर देता, सो दिस इज द वायलेशन ऑफ द रूल दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया था उसको वायलेशन किया गया, और ये शो करता है कि नेचुरली रॉबर्ट मुगाबे
क्लेम करते थे कि उनके यहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट एक्चुअली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। ये शो करता कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। प्रेस को कंट्रोल करना, अपोजिशन को हैरेस करना, अपोजिशन अगर उनके ड्रॉबैक को आवाज उठाती थी तो उनपे कंट्रोल करना, उनको बोलने नहीं देना, टीवी चैनल रेडियो को कंट्रोल करना, मीन्स फ्रीडम नहीं दिया गया। अपोजिशन को फ्रीडम नहीं दिया गया, जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं दिया गया, इस कारण से ताकि उनका अपोज नहीं कर सके। तो ये रूल ऑफ लॉ एंड द रेस्पेक्ट फॉर द राइट डेमोक्रेसी का बहुत फीचर है, जिसमें डेमोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी भी पोजिशन में बैठे व्यक्ति हो, गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये आपका फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी था। ओके okay?